ओम शांति। सर्वप्रथम आप सर्व को होली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, अभिनंदन हो। होली का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन होली को जलाना और दूसरे दिन होली का मनाना कि होली माना पवित्रता, होली माना जो हो गया सो हो गया, फिर होली माना हम किसी को ये कहें कि मैं तेरी होली अर्थात तेरी बन गई, बन चुकी। और होली माना शुद्धता, स्वच्छता और बीती को बीती करना। तो होली पर विशेष रूप से होलिका बनाई जाती है, अर्थात कई लकड़ियों को इकट्ठा करके और उसको जलाया जाता है। उसकी जो अग्निशिखा है वो तेज होती है, ऊपर 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 आसमान की ओर जाती है, जैसे आसमान को छूना चाहती है। नहीं नहीं, आसमान को नहीं छूना चाहती, परंतु आसमान के उस पार रहने वाले उस परम प्रिय परम पिता परमात्मा के चरणों को छूना चाहती है या उस पिता की गोद में जाना चाहती है वो ज्वाला। और ये ज्वाला हर एक के मन की मुराद लेकर के और जाती है, क्योंकि पूजन जो होता है तो पूजन में सभी अपनी अपनी मन की मुरादें उनके पास रखते हैं। दूसरा, ये जो भी कचरा और कच्चर पट्टी की सामग्रियां हैं वो जैसे कि घर से बाहर थी, परंतु अब वो बाहर से भी हटकर और होलिका में जल जाती है, यानी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसकी राख हो जाती है, अर्थात उसका विनाश हो जाता है। तो हम मनुष्य आत्माओं के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, स्वभाव के अंदर, संस्कारों के अंदर कई ऐसा मैल है, कई ऐसी विचारों की खराबियां हैं, कई ऐसी अधोपतन करने वाली आदतें हैं, कई ऐसे दुख देने वाले स्वभाव हैं, कई ऐसे जिद पर रहकर और कभी न हार मानने वाले देह अभिमान और उनकी वंशावली अर्थात 5 विकार और उनके वंशज, जो भी अवगुण हैं वो संस्कार के रूप में हर इंसान के अंदर जो पड़े हैं, जो असली संस्कृति आत्मा की है, उस संस्कृति से उसे वंचित करते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी उस होलिका की तेज अग्नि के अंदर, उस तेज ज्वाला के अंदर जल करके खत्म हो जाती है। और फायदा ये होता है कि उस अग्नि का जो प्रभाव है वो आजू बाजू के वातावरण में
जो भी दुखदाई जीव जंतु हैं या जो भी ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो नेगेटिव हैं, उन सभी को वो जला करके खत्म कर देती है। परंतु होलिका हमें कहती है कि हम ऐसे न्यारे बने तो हम सभी के प्यारे बने। होलिका जलती है तो उसकी ज्योत जो सबको अपने से कुछ अंतर की दूरी पर खड़ा रहने को या रहने को मजबूर करती है, तो हमें वो सिखाती है कि नेगेटिविटी से सदा इतना अंतर बना के रखो कि आप उसके प्रभाव में न आए। उसी प्रकार समीप आकर हम उसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो हमें कहती है कि हमें प्यारा बनकर हर एक को सुख देना है, हर एक को खुशी देनी है और हर एक के जीवन को खुशहाल रखना है। जैसे ज्वाला में रोशनी हो जाती है, उजाला छा जाता है, वैसे ही हमें भी अपने आजू बाजू ऐसी ज्वाला प्रज्वलित रखनी है अपनी गुणों की, अपनी शक्तियों की, अपनी विशेषताओं की, जिससे हम स्वयं तो प्यारे बने ही परंतु जो भी हमारे ऑरा में आ जाए वह भी उससे प्रभावित हो जाए। तो होलिका हमें यही सिखाती है कि यदि हम नेकी से, सच्ची दिल से प्रभु के प्रति प्रीत रखते हैं, प्रभु को दिल से याद करते हैं, दुख में तो भले ही याद करते हैं परंतु सुख में भी हम उसे नहीं भूलते, उसका शुक्रिया हम अदा करना नहीं छोड़ते, तो आइए संकल्प करते हैं कि मैं आज से इस अवगुण का त्याग करती हूँ, करता हूँ। आज मैं सकारात्मक रूप से, निश्चित रूप से, निश्चयात्मक हो करके और इन गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करके जीवन के ये जो यादगार होली के पल हैं जो मैं पल मना रहा हूँ या मना रही हूँ, मैं उस पल को धन्य करूँगी, उस पल को यादगार बनाऊंगी। और न सिर्फ यादगार, लेकिन जब जब मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार यदि अवगुण के तरफ, किसी बुरी आदत के तरफ या फिर किसी का नुकसान करने के तरफ या अवनति की ओर जाए तो मुझे तुरंत स्मृति आए और मैं उस स्मृति को लेकर के फिर से अपने मन के अंदर होली जलाऊं और होलिका जला के और होली का उमंग उत्साह मनाऊं, ताकि जीवन में कभी भी मुझे पश्चाताप करने का वक्त न आए। अच्छा, फिर से आप सर्व को होली की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और विजयी बनने का आपको अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। ओम शांति।